शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी कितने सातिर थे, इसके खुलासे अब ईडी की जांच में हो रहे हैं। ईडी की जांच में एक ऐसा ताजा खुलासा हुआ है जो बड़े बड़े अपराधियों और फ्रॉडियों के होश उड़ा दे। दरअसल ईडी को मामले की जांच में पता चला है कि पार्थ चटर्जी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए काले धन से खरीदी गई कई संपत्तियों के कागजात में अपने कॉलेज के समय की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। ईडी के हाथ पार्थ के नाम से खरीदी गई ऐसी कई जमीन के कागजात लगे हैं जिनमें पार्थ की कॉलेज के समय की तस्वीर लगी है, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। आमतौर पर संपत्ति के कागजात में क्रेता व विक्रेता की हाल की तस्वीरें लगाई जाती हैं, लेकिन पार्थ ने शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके उलट किया। यही नहीं, प्रॉपर्टी के कागजात पर किए गए उनके हस्ताक्षर भी अभी के हस्ताक्षर से काफी भिन्न हैं। गौरतलब है कि पार्थ और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी ने 2012 में संयुक्त रूप से कोलकाता के दो वासिंदा से शांति निकेतन में उनकी 7 कट्ठा जमीन खरीदी थी। उसके कागजात में पार्थ की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी है, वो 35 से 40 साल पुरानी लग रही है। उस वक्त पार्थ कॉलेज में पढ़ते होंगे। हालांकि अर्पिता व जमीन के विक्रेताओं की उस समय की हालिया तस्वीरें ही लगी थी। कागजात में अर्पिता व विक्रेताओं की उंगलियों की छाप स्पष्ट है, लेकिन पार्थ की धुंधली सी है। ईडी का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। वहीं जांच में यह भी पता चला है कि संयुक्त रूप से जमीन खरीदे जाने पर भी इसका म्यूटेशन सिर्फ अर्पिता के नाम पर हुआ था। जानकारों का कहना है कि संयुक्त मालिक की सूरत में कोई एक के अपना हिस्सा दूसरे को उपहार के तौर पर देने पर ही एक के नाम से म्यूटेशन होता है। इसके लिए गिफ्ट डीड बनवाना पड़ता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जमीन के कागजात में इतनी बड़ी बड़ी त्रुटियां होने के बावजूद यह भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की नजर में क्यों नहीं आई। पार्थ ने ईडी को पूछताछ में बताया कि अर्पिता के साथ उनकी जान पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, संपत्ति के कागजात उनकी इस बात को भी झूठा साबित कर रहे हैं। वहीं पार्थ चटर्जी ने एक बार फिर से ममता सरकार पर उंगली उठाते हुए दोहराया है कि वो एक साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी से निलंबित करने का फैसला निष्पक्ष जांच को प्रभावित कर सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बरामद कैश उनका नहीं है और समय बताएगा कि उनके खिलाफ साजिश में कौन लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।